तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी के टाइम पर मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत भयंकर वाला फीवर आ रहा था। कल से ही फीवर आ रहा है और मैं दिखा के भी आया हूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ। तो आवाज़ के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आवाज़ इसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को तो भाई मिलेगी। देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली डिजिटिकल के ऊपर होने वाली है। यानी आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि डिजिटिकल गन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन आप लोगों के ना तो हेडशॉट पड़ते हैं और ना ही आप लोगों के बन टैप पड़ते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ कि आप लोग भी किसी भी बंदे को डिजिटिकल से ओनली ऑन रेड नंबर किस तरीके से मार सकते तो हो। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप लोग डिजिटिकल गन का यूज करते हो उस टाइम पे आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो आप लोग की गन बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी, या फिर आप लोगों की एमओ बहुत ज्यादा हवा में फायर होंगी, या फिर आप लोगों के बन टैप ना पड़ के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलो भाई, बिना किस टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गवाबे और चल रहा है। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो भाई अगर आप लोग गवाबे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। और मैं आपसे कोई आपके आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांग रहा हूँ। बस आपसे आपकी यूआईडी मांग रहा हूँ, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना। तो चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि अगर आप लोगों का डिजिटल से बन टैप नहीं पड़ता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक है जो कि फॉलो करनी है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पर गया। गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने टाइप किया फ्री फायर मैक्स डिजिटल गन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि फ्री फायर के अंदर किसी भी गन को चलाने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल गन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। तो भाई आप लोग अगर डिजिटल गन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको डैमेज 90% मिलेगा, रेट ऑफ फायर 33% मिलेगा, रेंज 74% मिलेगी, और जो उसकी रिलोड स्पीड है वो 69% मिलेगी। मैगजीन इसमें आपको 7 मिलती है, एक्यूरेसी आपकी 45% रहती है, मूवमेंट स्पीड आपकी 76% रहती है, लेकिन आर्मर जो पेंट्रेशन है वो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो है आप लोगों का रेट ऑफ फायर, दूसरा है आप लोगों का आर्मर पेंट्रेशन। अब ये बात तुम सभी को पता होगा कि फ्री फायर के अंदर जिस गन के अंदर रेट ऑफ फायर सबसे कम होता है उस गन से आप लोग के सबसे कम हेडशॉट पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी डिजिटल गन के अंदर किस तरीके से रेट ऑफ फायर को बढ़ा सकते हो, और उसके बाद हम बात करेंगे आर्मर पेनिट्रेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ फायर की। तो कहीं देखो, या तो आपके पास रेट ऑफ फायर वाली गन होनी चाहिए डिजिटल की, लेकिन अगर आप लोगों के पास या फिर 90% बंदे ऐसे हैं जिनके पास रेट ऑफ फायर वाली गन की स्किन नहीं है डिजिटल की, तो आप लोग बिना रेट ऑफ फायर वाली गन की स्किन के भी कैसे रेट ऑफ फायर बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली आज से हमेशा एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जब भी आप लोग डिजिटल से बन टैप मारने का ट्राई करो, तो उस टाइम पे आप लोगों को जो फायर वाला बटन होता है उसे आप लोगों को झटके से एक साथ ऊपर की साइड करना है। अगर आप लोग अपने फायर बटन को झटके से एक साथ ऊपर की साइड करोगे तो आप लोगों की गन के अंदर ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फायर बन जाएगा, क्योंकि डिजिटल गन के अंदर रेट ऑफ फायर आता नहीं है। तो आप लोग खुद को ही रेट ऑफ फायर बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद ही रेट ऑफ फायर बनाना चाहते हैं, फिर फ्री फायर के अंदर कोई सी भी ऐसी गन हो जिसके अंदर रेट ऑफ फायर नहीं हो, तो अगर आप लोग उस गन में झटके से एक साथ फायर बटन को ऊपर की साइड खींचोगे तो आप लोगों का ऑटोमेटिक रेट ऑफ फायर बन जाता है। तो आज से आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप लोगों की गन के अंदर रेट ऑफ फायर नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना फायर वाला जो बटन होता है उसे झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींचना है। तो भाई ये तो गई आप लोगों की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो भाई सेकंड नंबर की जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है आर्मर पेनिट्रेशन। अगर आप लोग डिजिटल गन के अंदर देखोगे तो वहां पर आप लोगों को आर्मर पेनिट्रेशन 0% देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने जिस तरीके से रेट ऑफ फायर इंक्रीज किया, उसी तरीके से आप लोग आर्मर पेनिट्रेशन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, उसे देख लेना। अब यार देखो, 6 लाख फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो अगर आप में से एक एक बंदा भी सपोर्ट करेगा, एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा, तो 6 लाख फैमिली हमारी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो यार देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अब यार देखो, ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं, ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। 6 लाख फैमिली आप लोगों को बहुत जल्द कंप्लीट करवानी है। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं आर्मर पेनिट्रेशन की। अगर आप लोगों के डिजिटल के अंदर आर्मर पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो आप लोग उसे किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्री फायर गेम ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग को आना कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर। जैसे कि आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आओगे, अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक कैरेक्टर का यूज करना है। उस कैरेक्टर का नाम है हयातो कैरेक्टर। अब हयातो कैरेक्टर की एबिलिटी आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को जब कोई बंदा डैमेज मारता है, तो उस टाइम पे आप लोगों की एचपी अगर कम होती तो सामने वाले बंदे को दुगना करके या फिर दुगनी स्पीड में डैमेज देता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल गन के अंदर ही वर्क नहीं करेंगी, आप लोगों के जितने भी फ्री फायर के अंदर गन है या फिर जितनी भी वन टैप वाली हेडशॉट वाली, उन सभी गन के अंदर वर्क करने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा हयातो कैरेक्टर का यूज
करना ही करना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो ट्रिक बताई, अगर आप लोग इन दोनों ट्रिक को फॉलो करते तो आप लोगों के ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़ने वाले हैं और 6 लाख फैमिली कंप्लीट होने में 10,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो अगर आप में से एक एक बंदा भी सपोर्ट करेगा, एक एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो 6 लाख फैमिली हमारी बहुत जल्दी या फिर इजी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 500 डायमंड के गिवअवे और चला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी के साथ एक मैसेज डाल देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ आप लोगों को आज कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा।